मेरा नाम आबदा बासित है और मुझे लोग उम्मे आयशा के नाम से जानते हैं क्योंकि मेरी प्रोफाइल इस नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की उन चंद ख्वातीन में से हूँ जिन्होंने एक छोटे से स्किल आईटी स्किल से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है मेरी। और मैं कहती हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं कर सकती हूँ तो पाकिस्तान की हर औरत घर के अंदर बैठ के कर सकती है। और मेन जो हमारा मिशन है वो ये है कि ना सिर्फ हम ख्वातीन आगे बढ़ें, हम अपने बच्चों को भी छोटी एज से ही स्किल की तरफ लेके आएँ, क्योंकि ये दौर जो है वो डिजिटल स्किल का है। डिजिटल स्किल ना सिर्फ प्रेजेंट है बल्कि पूरा फ्यूचर इसके ऊपर रिलाय करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनली बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम कर रही हूँ और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं पहली मुस्लिम क्रिप्टो करेंसी की भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैनेजर रही हूँ और पहली डिजिटल एयरक्राफ्ट कंपनी की भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैनेजर रही हूँ। सबसे मेन जो उस वक्त इशू था वो थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस थे जिनसे हम थोड़ा सा गुजर रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को इसमें थोड़ा सपोर्ट करूँ, अपना कोई किरदार अदा करूँ। लेकिन चार बच्चों के साथ और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैंने सोचा कि घर से ही कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। तो उन दिनों कहीं से सुना हुआ था कि भाई YouTube चैनल बहुत अर्न कर रहे हैं, तो मैंने सोचा बच्चों का YouTube चैनल बनाया जाए। तो मैंने बच्चों का YouTube चैनल बनाया और उस पर खुद ही कंटेंट लिख के बच्चों से परफॉर्म करा के, उसके लिए ज़ाहिर है जब मैंने चैनल बनाना था मुझे तो नहीं आता था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला एक ऑनलाइन कोर्स किया, हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल। तो जब मैंने वो कोर्स किया मुझे उससे हेल्प मिली, मैंने प्रॉपर चैनल बनाया, लेकिन थोड़ी टाइम तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट इनफ, मुझे कुछ आगे और भी सीखना है, तो मैं इसी को थोड़ा मज़ीद प्रोफेशनल बनाऊँ। तो मैंने क्या किया कि दूसरा कोर्स किया वीडियो एडिटिंग का, तो फिर वीडियो भी अच्छी बनने लगी, स्क्रिप्ट भी अच्छा है, वीडियोस भी जा रही हैं, और साथ ही मैंने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स ले लिया जिसकी वजह से मैं बच्चों के थंबनेल्स बनाती थी। तो ये सारा यूट्यूब से रिलेटेड एक पैकेज मेरा बनता गया जो अनकॉन्शियसली था, मुझे बिल्कुल भी मैंने ये प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो सर्विस में ये जो इतनी चीज़ें मैंने सीखी हैं, इतने स्किल्स सीखे हैं, ये तो बेसिकली एक स्किल सेट बन गया मेरे पास, तो क्यों ना मैं इसको इंटरनेशनली सेल करूँ। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो तकरीबन 1.5 साल पहले मैं इस स्किल के साथ मार्केट में आई फाइवर अपवर्क लिंक्डइन पे और मैंने स्किल सेल करना शुरू कर दिया। मेरा सफ़र एक छोटे से मोबाइल से ही शुरू हुआ था और उसी पे मैं वीडियो भी शूट करती थी, थोड़ी अरसे बाद फिर कुछ पैसे जमा किए, फिर एक कैमरा लिया, फिर कंप्यूटर, तो इस तरह स्टेप वाइज लेकिन बहुत छोटे छोटे कदम लेते लेते मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं यूट्यूब की ही सारी सर्विसेज दे रही हूँ, तो इसमें A to Z यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ के कंटेंट आइडिया, हम अपने क्लाइंट को कंटेंट आइडिया भी खुद दे रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि भाई हमारा स्केड्यूल क्या है महीने का, हम कौन सी वीडियो शूट करें, कौन सी डिमांड में हैं वीडियोस, तो हम उनको सबसे पहली चीज़ के कंटेंट आइडियाज़ देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जब वो कंटेंट का हमें रॉ फुटेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, फिर हम उसको एडिट करते हैं, एडिटिंग भी हमारे पास है, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करना, स्केड्यूल करना कौन सा बेस्ट टाइम है स्केड्यूलिंग का, उसके बाद उसके बैक एंड पे जितनी चीज़ें हैं, कौन से कीवर्ड्स, टाइटल्स, हैशटैग्स यूज़ करने हैं, और साथ ही थंबनेल कौन सा बनाना है जो क्लिकेबल हो, ठीक है, आई कैची हो, तो ये तमाम चीज़ें। और इजाफी में बाज़ औक़ात ऐसे क्लाइंट होते हैं कहते हैं हमारा सोशल मीडिया भी मैनेज करें, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो फिर हम उसके सपोर्ट में उनको ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास दर्जनों के हिसाब से हैं और मुझे हर फील्ड में एक्सपीरियंस है चैनल मैनेजमेंट का, चाहे वो रियल स्टेट नीश हो, कुकिंग की हो, जिम से रिलेटेड, फिटनेस, मोटिवेशन, हर किस्म की नीश मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज की है। और मुझे एजाज़ ये हासिल है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डिजिटल एयरक्राफ्ट की ऑफिशियल यूट्यूब मैनेजर हूँ, मरहबा डिफायर जो कि पहली मुस्लिम क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में, मैं उनकी ऑफिशियल यूट्यूब मैनेजर रही हूँ काफ़ी अरसा। फिर इसी तरह 100% फाइनेंस के नाम से अमेरिकन एक कंपनी है, एक बहुत बड़े रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं, उनकी मैंने बहुत अरसा उनके साथ मुझे काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, तो इस तरह लिस्ट काफ़ी लंबी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि मेरा अपना एक ऑफिस है घर के अंदर, ज़ाहिर है मैं घर से बाहर नहीं जाती, तो मेरा अपना ऑफिस है। इसी तरह जब अहद ने स्टार्ट किया
तो अहद की एक अलग पीसी की डिमांड थी, तो अभी माशाल्लाह से अहद का अलग कॉर्नर है, उसका अलग एक ऑफिस सेटअप है और मेरा अलग है। तो ये तो घर पे है, मेरा पहला फोकस बच्चों पे था कि बच्चों को अर्ली एज से ही हमने स्किल्ड करना है ताकि वो कल को हमारी तरह 9 to 5 वाले चक्कर में ना रहें। तो मैंने अपने बच्चों से ही स्टार्ट लिया। मैं अपने बड़े बेटे का जिक्र करूंगी, अब्दुल अहद, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का यंगेस्ट 3D एनिमेटर है। तो 2 साल पहले जब वो 10 साल का था तो मैंने उसको, ज़ाहिर है मुझे शुरू से ही एनिमेशंस का शौक़ था और मुझे था कि भाई ये कैसे बनती है मूवीज़। इसी तरह बच्चों को शौक़ था, वो भी मुझसे पूछते थे जब हम कोई जैसे कंग फू पांडा, फ्रोजन, इस तरह की मूवीज़ देखते थे तो बच्चे पूछते थे कि मम्मा ये कैसी बनती है। तो ये एक चीज़ थी जहन में, तो मैंने कहा क्यों ना इसी इसी फील्ड में लेके आए बच्चों को। तो मैंने अहद को 3D एनिमेशन के बारे में बताया कि ये सॉफ्टवेयर है, इस पर हम सीख सकते हैं। तो इस तरह प्रॉपर जर्नी का आगाज़ हुआ जब मैंने अहद से पहला प्रोजेक्ट करवाया। नाम अब्दुल अहद है और मैं पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट 3D एनिमेटर हूँ। मैंने 10 साल की उम्र में ये जर्नी स्टार्ट की और आज तक मैं जितना भी मैंने कुछ सीखा है वो सब मैंने अपनी मम्मा की वजह से सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट दी और जहाँ पर भी मुझे लगता कि मैं ये नहीं कर सकता उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दी। तो मेरी मम्मा मेरी हीरो है। अभी मैं 12 साल का हूँ और अभी मुझे ये काम खैर इतना मुश्किल नहीं लगता और मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैं टाइम मैनेज करता हूँ अपना, सबसे पहले स्कूल जाता हूँ, फिर आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं होमवर्क करता हूँ, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर जो भी इंजॉयमेंट करने में मैं वो करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट से मैं प्रोजेक्ट भी करता हूँ अपना और होमवर्क भी करता हूँ। अभी तो मैं बहुत प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, गिनना मुश्किल है, लेकिन मैंने उसमें नेचर सीन्स, कार एनिमेशन और डेजर्ट सीन आपने देखा होगा मेरी प्रोफाइल पे, और इस तरह के बहुत ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। पहला जो क्लाइंट था उन्होंने मुझे परफ्यूम एनिमेशन के लिए कहा था, तब तो खैर मैं इतना बिगिनर था लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह उनको बना लिया। और मैंने 3-4 क्लाइंट्स की कंपनी के लिए उनका लोगो डिज़ाइन किया, उसके बाद उनको एनिमेट किया। तो इस तरह 1-2 क्लाइंट्स और हैं जिनका मैंने उनको काम करके दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर में शुरू में ज़ाहिर है टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था छोटे बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि भाई ये एक काम है, ये इसको सीरियसली करना है, जिस तरह मर्दों की जॉब होती है और उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, सुबह जाना है, शाम को आना है, छुट्टी नहीं मिल रही। तो इसी तरह ये जब हम क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी वाला काम है, तो इसमें कभी कभी मुझे सारी सारी रात भी बैठ के काम करना पड़ सकता है। कभी ऐसे भी टाइम गुजरता है कि 2-2 दिन में नहीं सोती, और कभी ऐसा होता है कि रिलैक्स टाइम होता है। तो बच्चों ने शुक्र है उस हिसाब से एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ आज मामा बिज़ी हैं तो हम मामा को नहीं तंग करेंगे, वो अपने रूटीन से चल रहे हैं। अच्छा आज मामा फ्री हैं तो चलें आज हम कोई एनिमेटेड मूवी देख लेते हैं, चलें आज हम घूम फिर लेते हैं। तो हमारा टाइम इस तरह से है कि जब मामा बाबा फ्री हैं तो बच्चों को पता होता है कि अब हमारा टाइम है, तो बच्चों ने खुद ही इस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है, तो ये भी बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। बहुत अच्छा रिलेशन है मम्मा और जब मैं बैठे होते हैं, मम्मा उस तरफ बैठी होती है, मैं इस तरफ बैठा होता हूँ, तो जब मुझे मुश्किल होती है मैं मम्मा को बुलाता हूँ, मम्मा मेरा मसला किसी तरह हल करती हैं, और फिर अगर उन्हें कोई चीज़ का आइडिया चाहिए हो तो मैं उन्हें फिर देता हूँ, और फिर वो बहुत मुझे थैंक यू करती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। ये नहीं है कि मैं अपने प्रोजेक्ट से बोर हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ जिसमें मैं इंटरटेनमेंट भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। और मुझे जब मेरे बहन भाई सारे सो जाते हैं तो मुझे ये नहीं है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि मैं आधी रात को बैठ के काम कर रहा होता हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस तरह रात को बैठ के काम करना, जब बिल्कुल खामोशी होती है, मैं और मामा मिलकर काम कर रहे होते हैं और कभी भूख लगे तो बर्गर मंगवा लिया, खा लिया आपस में, सही मज़े का वो काम होता है। मेरे बाबा, चाचू, मामू, मामा सारे मेरे साथ खेलते हैं, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुलाता हूँ और हम हर संडे को सुबह ग्राउंड जाते हैं खेलने के लिए, सुबह 9 to 10 तक। मैंने इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखा था, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने बस एक छोटी सी नियत थी मेरी कि मैंने अपने घर के में आसानी पैदा करनी है अपने हस्बैंड के लिए, बस ये
इस नियत के साथ मैं आगे बढ़ी, फिर वो आसानियाँ अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली तक आई। तो मुझे था कि चलें एक इतना हो जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। जिस तरह लोगों ने मेरी स्टोरी को प्यार दिया और पाकिस्तान की टॉप ट्रेंड स्टोरी बन गई ये, तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी ख़ास मकसद के लिए चुना है। और मुझे मेरी सिर्फ यही घर की हद तक की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गया है। मैंने अब कौमी सतह पे जाके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारी माओं को नहीं पता हम बच्चों को कैसे स्किल की तरफ लेके आए। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं बड़े होके CGI एनिमेशन शॉर्ट फिल्म्स बनाऊं, जो कि बहुत ही क्यूट होंगी। मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म का आइडिया भी सोच लिया है और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अपने साथ साथ बाकी बच्चों को भी इस काम पे लगाऊं। मैं अभी से और मेहनत करूंगा ताकि मैं अभी से पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, ताकि मेरे मामा बाबा मेरे पे फख्र करें और आप भी पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें, स्किल सीखें, ताकि आपके अम्मी अबू भी आप पे फख्र करें। पाकिस्तानी ख्वातीन के लिए मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगी कि देखें, मैंने जो किया मैंने भी उन्हीं हालात में किया जैसे एवरेज पाकिस्तानी खातून जिससे गुजरती है, वही हमारे जो इश्यूज रोज़मर्रा ज़िंदगी के हैं। तो कोई इसमें मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी, उन्हीं हालात में मैंने भी शुरू किया जिससे अभी आप गुजर रहे हैं। तो लिहाजा थोड़ी हिम्मत करें, टाइम मैनेज करें, छोटा सा एक स्किल सीखें, फिर उस स्किल को सेल करें, फिर एक और स्किल सीखें, इस तरह एक स्किल सेट बनाएं। और जब आप खुद इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएं तो साथ अपनी फैमिली को एम्पावर करें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को इस तरफ ले के आएँ डिजिटल स्किल की तरफ। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपके इन छोटे छोटे स्टेप से आप देखेंगे कि अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान में कितना डिफरेंस आपकी वजह से आ जाएगा। तो लिहाजा ये कंट्रीब्यूशन आप सब की तरफ से पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। स्माइल करें ना।